नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मौजूदा दौर में दुनिया की चार क्रिकेटर्स के बीच कड़ी टक्कर मानी जाती है। भारत के विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, इंग्लैंड के जो रूट और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। मौजूदा समय में जब क्रिकेट में बेस्ट कप्तानों की बात आती है तो उसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, जो रूट और बाबर आजम का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया की राय थोड़ी अलग है। वो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को वर्ल्ड का बेस्ट कप्तान मानते हैं। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। बाबर आजम की कप्तानी में भी पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में अपनी छाप छोड़ी है। बता दें, दानिश कनेरिया ने क्रिकेट ट्रैकर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान मानते हैं। उन्होंने क्रिकेट ट्रैक के शो फ्री हिट में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा दौर में वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट कप्तान कौन है, इस सवाल के जवाब में दानिश कनेरिया ने केन विलियमसन का नाम लिया। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के विलियमसन की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। WTC के पहले एडिशन में भारत को उसने 8 विकेट से हराया था। आपको बता दें, 40 साल के कनेरिया ने भले ही बाबर आजम को बेस्ट कप्तान ना बताया हो, लेकिन उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की। उनसे जब पूछा गया कि बाबर आजम के बारे में एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। दानिश कनेरिया ने भारतीय कप्तान कोहली को आक्रामक प्लेयर बताया और कहा कि उन्हें हारने का डर नहीं है। बता दें, पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट में 261 विकेट और 19 वनडे में 15 विकेट हासिल करने वाले कनेरिया ने बाबर आजम और विराट कोहली की जमकर तारीफ की। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।